नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डाल रहे हैं आज की प्रमुख खबरों पर। वेंकैया नायडू बोले कि जाकिर नाइक के भाषण बेहद आपत्तिजनक। मोदी सरकार ने विवादास्पद भारतीय इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के भाषणों को बेहद आपत्तिजनक बताया है। सरकार ने कहा कि उसके भाषणों को लेकर उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाएगी। नाइक के कुछ भाषणों से ढाका हमलावर कथित रूप से प्रेरित हुए थे। नव नियुक्त सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि गृह मंत्रालय नाइक के भाषणों का अध्ययन करेगा, इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मीडिया में आ रहे उनके भाषण अत्यंत आपत्तिजनक है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस आयुक्त से नाइक के भाषणों की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उन्होंने कहा कि मैंने मुंबई पुलिस आयुक्त से नाइक के भाषणों की जांच करने के लिए और रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आईएस के वीडियो में दिखे गायक और एमबीए युवक। आईएस की ओर से दुनिया भर में और अधिक आतंकवादी हमले करने की धमकी देने वाले जारी ताजा वीडियो में दिखाई दिए तीन बांग्लादेशी युवकों में से एक डेंटिस्ट, एक गायक और एक एमबीए का छात्र है। सूत्रों के अनुसार वीडियो में दिखे एक युवक की पहचान तहमीद रहमान शफी के रूप में हुई है, जो एक उभरता हुआ गायक है। वह रियलिटी शो में भी हिस्सा ले चुका है। शफी दिवंगत चुनाव आयुक्त शफी उर रहमान का बेटा है। वीडियो में सभी तीनों युवकों ने बांग्ला में बात की, केवल शफी ने अपने बात का अंग्रेजी में अनुवाद किया। आईएसआईएस का यह वीडियो मंगलवार को एक खुफिया वेबसाइट पर जारी किया गया था। वीडियो में दिखे गए तीन युवकों में से एक मॉडल नैला नईम का पूर्व पति तुषार है और वह पेशे से डेंटिस्ट है। विवादित बयान मामले में सलमान खान को कोर्ट का समन। महाराष्ट्र महिला आयोग ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को समन जारी करते हुए अब 14 जुलाई को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर जवाब देने के लिए कहा। सलमान ने फिल्म सुल्तान के प्रचार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने फिल्म में पहलवान का किरदार निभाया है और फिल्म की शूटिंग के दौरान 120 किलो के पहलवानों को 10-10 बार उठाना पड़ता था और शूटिंग के अंत में वह बलात्कार पीड़िता जैसा महसूस करते थे। इसी बयान के संबंध में महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए सलमान को जाहिर होकर जवाब देने के लिए कहा था। आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि उन्होंने सलमान खान को 14 जुलाई को हाजिर होने के लिए एक अन्य समन भेजा है।